मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने के लिए विवश हूँ। तो फाइनली दोस्तों पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष इतनी नेगेटिविटी के बाद भी ऑडियंस को सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब हो रही है। और दोस्तों ये फिल्म आज अपने छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म आदि पुरुष के अभी तक के यानी कि 6 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने किन किन फिल्मों के रिकॉर्ड्स को आज तोड़ दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओम रावत के डायरेक्शन में बनने वाली आदि पुरुष एक एपिक एक्शन सागा फिल्म है जिसके लीड में आपको पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन और लंकेश के रोल में सैफ अली खान नजर आए हैं। दोस्तों बता दें आपको कि जिस दिन से इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था उसी दिन से इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को रिलीज होने के बाद, इस फिल्म को मिले हुए रिव्यूज के बाद ये उम्मीदें नहीं थी कि ये फिल्म 400 करोड़ रुपए की भी कमाई दुनिया भर से कर लेगी। लेकिन दोस्तों आज के समय में ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई के साथ इस साल की दूसरी बिगेस्ट ग्रोसर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि लगभग 600 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली आदि पुरुष जिसे कि लगभग 6,500 स्क्रीन पर ऑल ओवर इंडिया में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में किया गया था। इस फिल्म ने दोस्तों हिंदी में अपने पहले ही दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और दोस्तों नॉन हॉलिडे में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले दिन 37 करोड़ से ज्यादा की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में अपने पहले ही दिन की, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन रहा। अपने दूसरे और तीसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिला। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को पसंद नहीं कर रही है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में लिखे हुए डायलॉग्स को भी लेकर कई सारे विवाद हो चुके हैं। यह फिल्म दोस्तों नेपाल में बैन हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को भी हिंदी में पार कर पाएगी। लेकिन दोस्तों बता दे चले आपको कि सुपरस्टार प्रभास और रामायण जी की वजह से इस फिल्म ने दोस्तों अपने दूसरे दिन भी लगभग 38 करोड़ रुपए कमाए और तीसरे दिन भी लगभग 35 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड में हिंदी में ही कर चुकी थी, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 3 ही दिनों का जो कलेक्शन था वो 340 करोड़ से ज्यादा का रहा। ऑडियंस दोस्तों भले ही इस फिल्म को पसंद नहीं कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों कई सारी फैमिली इस फिल्म को आज भी सिनेमाघरों में देखने जा रही है। और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने 4थे दिन भी हिंदी में जहां 9,80,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही, 5वें दिन भी दोस्तों इस फिल्म के कल के कलेक्शंस भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे और इस फिल्म ने 6,30,00,000 रुपए कमाए हैं। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने 6ठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करती हुई नजर आ रही है। आज मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म 8-12% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है। आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी दोस्तों इस फिल्म का लगभग सेम ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने 6ठे दिन लगभग 5,30,00,000 रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 131 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों 4 दिनों में इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का जो कलेक्शन दुनिया भर के सामने दिया है वो 375 करोड़ रुपए का था। कल दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से की है। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने 6ठे दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 16-17 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 407 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुका होगा। और फाइनली दोस्तों सुपरस्टार प्रभास साउथ फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे स्टार है जिनकी 4 फिल्में 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है। इस फिल्म ने दोस्तों सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार्स को भी बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर दिया है। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल की, तो दोस्तों जिस हिसाब की कमाई यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते कर रही है, और इस हफ्ते दोस्तों इस फिल्म के डायलॉग्स को भी चेंज किया जाएगा, उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस फिल्म के डायलॉग्स को चेंज कर दिया जाए तो क्या ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।